आज नागपुर में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा नागपुर महानगर की ओर से महाविकास आघाड़ी सरकार के विरोध में निषेध आंदोलन किया गया। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि महाराष्ट्र में ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं रहेगा और आने वाले स्थानिक चुनाव ओबीसी आरक्षण के सिवा होंगे, इसलिए यह आंदोलन किया गया। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा नागपुर महानगर के कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार को निर्णय सुनाता है कि चुनाव ओबीसी आरक्षण के सिवा होंगे और वही सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश शासन को आरक्षण लागू करता है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो भी ट्रिपल टेस्ट थी वह पास की और महाराष्ट्र ने नहीं, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण लागू हो। इस सरकार ने ओबीसी समाज का विश्वासघात किया है, उन्होंने ओबीसी समाज की राजकीय हत्या की है। उनका कहना है कि सरकार ने किए अत्याचारों का बदला लेने के लिए ओबीसी समाज इस सरकार को अवश्य पाठ पढ़ाएगा। महाराष्ट्र के विदर्भ में ओबीसी समाज के लोगों की संख्या अधिक है और बाकी स्थानों पर कम संख्या है। राज्य सरकार जानती है कि 27% आरक्षण लागू होता है तो बाकी जगहों पर भी ओबीसी की संख्या बढ़ जाएगी और उनका नेतृत्व बढ़ेगा, लेकिन ओबीसी समाज का नेतृत्व ना बढ़े इसलिए यह सरकार हम पर अत्याचार कर रही है। जब तक ओबीसी समाज को राजकीय आरक्षण नहीं मिलता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा नागपुर महानगर के कार्यकर्ताओं का कहना है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा नागपुर महानगर तर्फे आज इथे निषेध आंदोलन हे आघाडी सरकारच्या विरोधात आहे। आपणास माहित असेल काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला। सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की महाराष्ट्रात ओबीसीचं आरक्षण लागू राहणार नाही, येणाऱ्या ज्या निवडणुका आहेत स्थानिक निवडणुका त्या ओबीसीच्या आरक्षणाशिवाय होणार आहे आणि याचाच विरोधात आम्ही महाराष्ट्र सरकारचा निषेध करत आहोत। एकीकडे सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र शासनाला निर्णय देते की महाराष्ट्रात ओबीसीच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका होते, त्याच ठिकाणी तोच सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश शासनाला आरक्षण लागू करते, याच्यात हा जो आहे हा दुफावत आहे। कारण की मध्य प्रदेश शासनाने जे काही ट्रिपल टेस्ट होत्या त्या पास केल्या, त्यांना जे जे आवश्यकता जी इम्प्लिकेट डाटा असेल त्यांचा लोकल बॉडीजचे जे काही हे असेल ते त्यांनी त्याला दिलं, परंतु महाराष्ट्र सरकारने हे दिलं नाही कारण त्यांच्या मनात इच्छाच नव्हती की महाराष्ट्रात ओबीसीचं आरक्षण लागू व्हावं आणि यामुळे या सरकारने ओबीसी समाजाचा विश्वासघात केला आहे, ओबीसी समाजावर अत्याचार केला आहे, ओबीसी समाजाच्या राजकीय खून केला असं मी मानतो आणि या सरकारला धडा शिकवण्याकरता आम्ही इथे उपस्थित झालेलो आहोत आणि ओबीसी समाज येणाऱ्या काळात निश्चितपणे या सरकारला धडा शिकवेल। सर काय वाटतं तुम्हाला एम्पिरिकल डाटा देण्यासाठी राज्य सरकार टाळाटाळ का करत? त्यांना मुळात ओबीसीला आरक्षण द्यायचंच नाही, कारण की विदर्भ सोडता इतर ठिकाणी ओबीसी समाज हा कमी प्रमाणात आहे आणि जर हे 27% आरक्षण लागू झालं तर निश्चित त्यांना माहीत आहे की तिकडे त्या भागात ओबीसी समाज हा स्ट्रॉंग होईल, हां ओबीसी समाजाला नेतृत्व मिळेल आणि ते नेतृत्व मिळवून देण्याकरता हे सरकार प्रयत्नशील आहे, त्यामुळे त्यांनी हा इम्प्रिकल डाटा दिलेला नाही। यांनी जे मागास आयोग गठीत केला होता त्या आयोगाला निधी दिलेला नाही। आपल्या नागपूरचे जे एक सदस्य होते त्या आयोगावर त्यांनी त्रासून राजीनामा दिला, कारण की त्यांना जे करायला काही कामच नव्हतं, काही स्कोपच नव्हता, तर त्यांनी म्हणून त्यांनी हे दिला की सरकारचं मुळात हे सरकार विश्वासघाती सरकार आहे, ओबीसीचा विश्वासघात केला आहे, यामुळे सरकारला खाडी खेचलंच पाहिजे। आपल्या आंदोलनाची साखळी कोपर्यंत सुरू राहील? ही साखळी जोपर्यंत ओबीसीला राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत ही साखळी सुरू राहील। गेली वर्ष दीड वर्षापासून आम्ही निरंतर इथे उपोषण करतो आहे, आंदोलन करतो आहे, विविध प्रकारचे आंदोलन केलेले आहे आणि करत राहू आम्ही। VKB न्यूज के लिए रोशन बोकडे के साथ ऐश्वर्या शिंदे की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।